नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को पुलिस लाइन देहरादून में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया व राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर क्लेमेंटाउन थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना चयनित होने पर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही। आज़ादी के बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर तो चले गए, लेकिन उन्होंने देश को अनेक रियासतों में बांट दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण कर अंग्रेजों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह वर्ष जम्मू कश्मीर की धारा 370 से आज़ादी का वर्ष भी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भविष्य अब उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरदार पटेल अहमदाबाद के मेयर थे, तब उन्होंने 222 दिन तक स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया है। सरदार पटेल जी का जीवन आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस के अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्यों एवं विवेचना के लिए सम्मानित किया तथा नैनीताल में जोलीकोट के पास पुलिस वाहन दुर्घटना में मृतक पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री राज्य डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक हरवंश कपूर, खजान दास, गणेश जोशी, देशराज कर्णवाल, उमेश शर्मा काऊ, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनीता ममगाई, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतुड़ी, पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कुमार आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो आनंद प्रकाश की खास रिपोर्ट।